एक बार की बात है, एक पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर खटपट रहती थी। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ने लग गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी ने न जाने ऐसा क्या किया कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली होती है, पर इस बार पत्नी भी अशांत हो उठी और उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति की ओर दे फेंकी और चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बढ़ती चली गई। आस पड़ोसी रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है तो वह अपने पति की क्या इज्जत करती होगी, बाहर ही ऐसा हाल है तो अकेले में क्या क्या करती होगी। ऐसी पत्नी पतिव्रता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यह तो बहू के नाम पर कलंक है। बीवी के मायके वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई ना कोई पसंद आ गई होगी, इसीलिए यह पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहता और मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का, तो पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इस समय के दौरान पति पत्नी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। जो उनके करीबी थे वो पैसे के नाम पर मुंह फेड़ लेते थे, तो कोई मोटे ब्याज से देने को राजी होता। आखिर में वही हुआ जो माँ बाप और रिश्तेदार चाहते थे, डायवोर्स। पति पत्नी खुश हो गए और रिश्तेदार भी। 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डायवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत था। इत्तेफाक से दोनों पक्ष खुशी मनाने के लिए एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। पति पत्नी भी रिश्तेदारों से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठ गए। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना तुम? तुम जो चाहते थे वही हुआ, मुबारक हो। पति कहता है, तुम भी जो चाहती थी वैसा ही हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पत्नी ने पूछा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 15 लाख रुपए अभी और हर महीने 13,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 30 लाख की है। पति ने कहा, वो तो है, लेकिन हमारी बेटी भी तुम्हारे साथ है, आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ने लग जाएंगे, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। पत्नी कहती है, नहीं, मुझे तो सिर्फ 15 लाख रुपए ही देना, और तुम हर महीने 13,000 तो देने ही वाले हो, तो मैं इसी में मैनेज कर लूंगी। अगर तुम्हारे पास 15 लाख भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती थी तो मेरे लिए खाना भी बनाती थी और पैसे बचाने के लिए घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती और इलाज करवाती। मेरी ही मति मारी गई थी जो अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी ऐसी ही उथल पुथल चल रही थी। पत्नी सोचती है कि मेरा पति अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी मेरे लिए वैसा ही सोच रहा है। ये वही आदमी है जो मेरी हर इच्छा पूरी करता है और खुद की इच्छा को दबा लेता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इनसे झगड़ा कर बैठी। पत्नी ने मौन तोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा अस्थमा कैसा है, क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पति, हाँ पढ़ते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इनेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। पति ने पूछा, तुम बताओ अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो? पति ने कहा। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए, वो बोली,
तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। पति, मुझसे गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, और तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। मैंने भी गलती की और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं, पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। रिश्तेदार और माँ बाप सब हैरान हो गए। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी उन सभी पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, उन झगड़ों को बड़ा करके अलग होने का डिसीजन लेते हैं। और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, यह तो चलता ही रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और हंसते हंसते जीवन यापन करो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।